हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू बैंकर्स व्यबियान अकेडमी आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर अन अकेडमी पर और 11 बज गए हैं 11 बजे मेरा सेशन शुरू होता है सिंप्लीफिकेशन का अभी आ, इससे पहले मैंने बैंकर्स बयान एकेडमी पर डेली 11 बजे सेशन लिया है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं chapter wise profit and loss time and work uh, percentage ratio and proportion allegation mixture compound interest chapter wise आप लोगों को पिछले तीन सालों के 2021 22 23 के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे अगर आप लोग देखना चाहते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का लेवल पैटर्न तो आपको मेरे पिछले वाले सारे सेशंस देख लेने चाहिए जो मैंने प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज लिए हैं उनको आप जरूर देख लो आधे घंटे 40 मिनट का एक सेशन आपको मिलेगा अभी जो मैंने शुरू किया है वो मैंने स्पीड मैथ्स शुरू किया है स्पीड uh, मैथ्स माने सिंपलीफिकेशन uh, सिंपलीफिकेशन आपको पेपर में 10 से 15 नंबर का देखने को मिलता है 10 टू 15 मार्क का सिंपलीफिकेशन आता है पेपर में और uh, वो हम लोग मार्क तभी अचीव कर सकते हैं हम लोग मार्क uh, पूरे के पूरे तभी ले सकते हैं विद अ से अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस इज द की क्वांट के लिए स्पेशली आप सिंप्लीफिकेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो या कहीं से भी आपको प्रैक्टिस मिल रहा है ना तो वो आप जरूर करो ताकि आप जो टाइम एक क्वेश्चन में लगा रहे हो वो आप कम से कम लगा पाओ क्योंकि दो से ढाई मिनट में तीन मिनट में हम लोगों को कोशिश करनी है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन के दस क्वेश्चन कर पाए और आज मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाई हूँ प्लस में जो बातें सीखने की है नई बातें वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी ठीक है चलिए तो अभी जितने भी बच्चे सेशन को देख रहे हैं आप सब लोग एक बार फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो जितने भी स्टूडेंट अभी हैं आप सब स्टूडेंट सेशन को लाइक भी कर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दो आप लोग ठीक है जी चलिए जी आइए बिना डिले के शुरुआत करते हैं जी आज के सेशन की सिंप्लीफिकेशन Uh, पहला क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है और मैं आप लोगों को बड़े आराम आराम से सिखाऊंगी मुझे आराम से सिखाना है लेकिन आप लोगों को फास्टी क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है ठीक है चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने है पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आपके सामने है बताइए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करेंगे पेपर में सिंप्लीफिकेशन है ये ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से बता दो आंसर इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जो भी आप लोगों का आंसर आ रहा है सोल्व करें इस क्वेश्चन को देखो आप पेपर में कैसे सोल्व करोगे 50% ऑफ लिखा हुआ है। 16 क्या होगा? 4 होगा। आपको चार का, तो मतलब का आधा कर देंगे चार का आधा तो दो होगा माइनस एटी परसेंट ऑफ सिक्स परसेंट अलग से सोल्व कर रहे सबको पता है चार बटा पांच होता है सिक्सटी परसेंट तीन बटा पांच होता है और गुना में लिखा हुआ है

आप लोग देख सकते हो देखो बच्चों बताओ इसको हम लोग अब किस तरीके से बनाए सिक्सटी थ्री में से थर्टी अगर मैं माइनस कर दू तो थर्टी थ्री माइनस का एक्स और अगर आप यहाँ पर देखो तो माइनस का दो सौ चौदह आप लोग लिख सकते हो माइनस का थर्टी थ्री चार और तीन सात तीन और एक चार आ, ये हो जाएगा आ, देखो मैंने सही लिखा है सारा आ, जो नंबर है वो मैंने करेक्ट अच्छा थर्टी थ्री राइट एंड साइड पर आ, मैं इधर ले गई हूँ ना सबको आई थिंक है ना सही मैं लिख रही हूँ ना बता देना एक बार टू माइनस दो मैंने सोलह का दो सौ चौदह लिख दिया यहाँ पर थ्री में से थर्टी माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का थर्टी थ्री माइनस का थर्टी थ्री हो गया है मैंने एडिशन कर दिया चार और तीन सात तीन और एक चार दो एज एट इज माइनस का टू फोर्टी सेवन और यहाँ पर माइनस का एक्स की पावर टू ये कैंसिल कर देते हैं एक्स की पावर टू टू फोर्टी सेवन आ रहा है दो सौ सैतालीस आ रहा है एक्स की पावर ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा बताना एक बार आ, सारे नंबर मैंने सही लिखे हैं अगर मुझे लग रहा है कि कुछ दिक्कत हुई है भाई इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है बच्चों तो इस क्वेश्चन में बताना एक बार आप लोग अगर सोल्व कर रहे हो तो फिफ्टी परसेंट ऑफ सिक्सटीन अंडर सिक्सटीन चार का आधा चार का आधा दो हो जाएगा एटी परसेंट ओ सर्सेंट ओ फोर फिफ्टी अगर मैं इसको सोल करूँ तो मैंने इसको फोर बाय फाइव लिखा सिक्सटी परसेंट को थ्री बाय फाइव लिखा फोर फिफ्टी को मैंने इंटू फोर फिफ्टी ही लिखा पांच नीम पैंतालीस पाँच से अठारह पर चार तिया बारह गुना में अठारह छत्तीस का कैरी तीन अठारह आठ और तीन ग्यारह इक्कीस दो सौ सोलह करेक्ट लिखा है मैंने सिक्सटी थ्री माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का थर्टी आप माइनस करोगे प्लस का थर्टी थ्री आएगा वहां पर माइनस का थर्टी थ्री जाएगा मैंने दोनों को जोड़ दिया टू फोर्टी सेवन आ रहा है Uh, मैं अगर सिम्प्लीफिकेशन के हिसाब से देखूं तो मुझे तो आंसर यहाँ पर ई e ऑप्शन देखने को मिल रहा है नन ऑफ दीज अभी जो डेटा मौजूद है अभी जो डेटा प्रेजेंट है उस हिसाब से जो आंसर आ रहा है नन ऑफ दीज आ रहा है मैं इसीलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ कि क्वेश्चन के टाइपिंग uh, में तो कुछ गलत नहीं हो गया है ना लेट मी चेक वंस अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ क्वेश्चन आप लिख दो अभी जो डेटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो ई ऑप्शन आंसर बन रहा है नन ऑफ दिस मेरे ख्याल से आप लोगों का भी यही आया होगा मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद आंसर कुछ और था इसीलिए मैं एक बार रीचेक कर रही थी ठीक है जी ओके okay, जी चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वही है जो आप लोगों को मैंने कल सिखाया था दो डिजिट की मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड आप जैसे चाहे वैसे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं और उसके बाद सारा का सारा खेल एडिशन एंड सब्रेक्शन का है करके दिखाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से बताइए आप किस तरीके से बनाएंगे बताइए जरा देखते हैं सबसे पहले कौन मेरा स्टूडेंट आंसर बता पाएगा कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर बता पाएगा चलो करें इस क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन करना मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा आसान है बहुत ज्यादा इजी है सोलह को तीन से अड़तालीस का आठ कैरी चार सोलह और चार बीस दो सौ आठ यहाँ पर आएगा सत्रह को दो से चौतीस का चार कैरी तीन सत्रह और तीन बीस दो सौ चार यहाँ पर आएगा सेवेंटी सेवन और सात सोलह टू सिक्स यहाँ पर आएगा और यहां पर वन नाइनटी एट आएगा सारे नंबर लिखे जा चुके हैं एडिशन सप्रेक्शन का खेल बाकी है बस वही करना है तो आप कर सकते हो अपने तरीके से चार सौ बारह आप इसको लिख सकते हो माइनस इसको आप लिख सकते हो चौदह नॉरिक दस और छे सोलह और माइनस का फोर सिक्स दो और पांच आंसर नेगेटिव में आएगा आप आंसर देख सकते हो माइनस का फिफ्टी टू आएगा इज लो यहाँ पर आप लोगों से पूछा हो या इसका पूरा सोलह आपको करना था एडिशन से करके बताना था क्या रिजल्ट आएगा माइनस का फिफ्टी टू बी ऑप्शन इज आंसर ये लेवल रहने वाला है आईपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो एसबीआई क्लर्क की तैयारी के लिए सोच रहे हो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो क्लर्क में आएगा आर आरबी क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके क्वेश्चन के आपको देखने को मिल सकते हैं आपको फास्ट सॉल्यूशन करना है बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने बताइए इसे कैसे बनाएंगे आप लोग वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा वो तो पहले वाले का तुम लोगों ने बता दिया फिफ्टी टू आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आ, मैंने वैसे देख लिया है ये जो पहले वाला ये वाला नहीं ये वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना यहाँ पर सिक्सटी थ्री लिख दिया ये 6 की पावर थ्री था सिक्स 6... का क्यूब था सिक्स का क्यूब दो सो सोलह था यहाँ पर ठीक है पर जो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा है वो हम लोगों ने आंसर उस तरीके से फाइंड किया है कैलकुलेट किया है आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 16 की पावर 1 बाय टू डिजन में टू वन सिक्स का क्यूब रूट पावर 1 बाय थ्री प्लस में अंडर रूट फोर ठीक है इन में सिक्सटी फोर ये पावर 1 बाई टू डिड बाई मैक्स इज इक्वल टू टू अरे अरे ये तो सब आता है सब पता है आप लोगों को uh, 16 का अगर स्क्वायर रूट करना है तो चार आएगा और डिवीजन में अगर आप देखोगे डिवीजन है दो सौ के पावर वन बाय थ्री क्यूब रूट करेंगे तो सिक्स आएगा और प्लस में आप अंडर रूट फोर देखेंगे तो टू आएगा ये मैं अलग से लिख देती हूँ इन में अगर आप देखोगे

होगा 1.33 देखो ऐसा कुछ है क्या ऑप्शन में 1.33 बी ऑप्शन इज आवर आंसर बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन सब लोगों को समझ में आ गया होगा चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुत ही कमाल का क्वेश्चन मैटर करता है अप्रोच के आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे बताइए जरा आप इसको कैसे करके आएंगे पेपर में वाइटी सेशन तो मैं डेली ले रही हूँ ग्यारह बजे ठीक है इलेवन ए एम पर मैं डेली सेशन ले रही हूँ तो तुम भी रेगुलर आओ ना क्लास में ठीक है क्लास में डेली आ जाया करो ग्यारह बजे स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस अभी चल रही है चलिए अगर आप लोगों में से अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे सेशन को लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जैसे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है मैं आप सब लोगों को एक तरीका बताती हूँ ऐसा नहीं है कि आप नौ को बत्तीस से गुना करने लग जाओगे ऐसा नहीं है कि आप इक्कीस को बारह से गुना करने लग जाओगे कर भी सकते हो पर उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको जब भी पॉइंट नजर आता है पॉइंट का मतलब होता है सेवेंटी फाइव बाई का मतलब है सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट नंबर सेवेंटी फाइव परसेंट बराबर होता है तीन बटा चार थ्री बाय फोर कैसे होता है बराबर ये भी आप देख लो अगर किसी बच्चे को नहीं पता से फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड पच्चीस या पचहत्तर पच्चीस चौका सो वैल्यू बनेगी इसकी तीन बटा चारेंट को देखते हैं so. क्वेश्चन है, को देखिए आप किस तरीके से बनाओगे ये है नो सही तीन बटा चार और ये है एक सही तीन बटा चार ठीक है तो आपकी मर्जी है नो प्लस तीन बटा चार सोच के आप इसको बत्तीस से गुना कर सकते हो या इसको सोल करके सीधा फिर बत्तीस से गुना कर सकते हो ये आप लोगों की बच्ची है नो को चार से छत्तीस छत्तीस में तीन जोड़ेंगे थर्टी नाइन बाय फोर इंटू थर्टी टू चार से काट दो इसको सीधा गुना करो बहत्तर का दो सात आठ या चौबीस और सात इकतीस तीन सौ बारह फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट तीन सौ बारह आ रहा है सेकेंड पार्ट का रिजल्ट ट्वेंटी ओवर थ्री बाय ये बनेगा एटी में अगर मैं तीन जोड़ दू एटी सेवन एटी सेवन बाय फोर इंटू ट्वेल्व चार तिया बारह और 226, 261. यहां पर आ रहा है अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया बहुत ज्यादा है अब आप, आप सब लोग कर सकते फोर नाइन्टी 493 वैल्यू आ जाएगी जीरो आठ और एटी 80 हमारा आंसर बनेगा अगर आप लोगों का आंसर 80 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट जा रहे हो आप लोग सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन कोशिश करनी है ढाई से तीन मिनट के अंदर अंदर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पेपर में कर पाए दस क्वेश्चन क्लर्क के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे टेन क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ज्यादा नंबर की आती है और ये तो करना ही करना है मज डू ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो लेवल खैर मैं अच्छा ला रही हूँ अगर आप लोग ये वाला लेवल कर लेते हैं तो पेपर वाला लेवल बड़ी इजीली आप लोग कर लोगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप सेशन को लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दो जल्दी से ठीक है जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं अगर आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन

चलिए प्रकाश रितु कैलाश सब स्टूडेंट्स बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाकर आओगे पेपर में <coughs> चलिए चलिए आ जाइए जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे पांच और तीन आठ और सात पंद्रह में से दो माइनस करेंगे तो तेरह आएगा ठीक है तेरह आएगा तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाता है ये तो नहीं होगा ठीक है अब हम लोग फ्रैक्शंस को डील करते हैं बच्चों वन बाय एट प्लस में वन बाय फोर्टी प्लस में वन बाय माइनस का वन बाय ये इधर जाएगा तो माइनस का बनेगा इज इक्वल टू मे एक्स की वैल्यू आपके सामने आएगी आपका जैसे मन करता है आप वैसे डील कर लो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंटू टू इंटू टू Uh, दो में से एक माइनस करेंगे वन बाय टेन आ जाएगा आप चाहो एलसीएम ले लो सबका चालीस एक साथ तो वो भी कर सकते हो मैं दो दो फ्रैक्शन को एक साथ डील कर रही हूं तो आप वो भी कर सकते हो एट इंटू फाइव यहाँ पर पांच और एक छह बटा चालीस आ जाएगा छह बटा चालीस को काट कर लिखना चाहो दो तिया और ये तीन बटा लिखना चाहो लिख सकते हो बीच uh, में प्लस का ही साइन आएगा फोर्स दस को दो से तीन और दो पांच बटा बीस, बटा बीस माने वन इस पूरे को रप कर देती हूं। का रिजल्ट आ रहा है वन बाय फोर तो ये बनेगा तेरा सही एक बटा चार इज इक्वल टू एक्स दिस इज आवर आंसर मतलब ये क्वेश्चन अगर आता है पेपर में तो इस तरीके का इसमें पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है आप बड़ी इजीली देख सकते हो ठीक है दो दो फ्रैक्शन को 1 प्लस 1 40, 5 से गुना, 5 से गुना, 5 और एक 40, का मतलब है तीन बटा बीस वन माइनस वन बायू टू इंटू टू टू माइनस तो यहां पर आप सीधा फ्रैक्शन लिख सकते हो इसका लिख सकते हो थ्री बाय ट्वेंटी और इसका लिख सकते हो वन बाय टेन

नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन का आपके सामने है बता दीजिए जरा चलिए वेरी गुड स्वर्ण और के सब सब बच्चे बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया हाँ जी वेरी गुड वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोल नंबर क्वेश्चन देखो मैं तो तुम लोगों को एक बात बोलूंगी बताऊ क्या बताती हूँ ना फोर बाय फाइव थ्री बाय फाइव वन बाय टू थ्री बाय टेन सारे मेरे जाने पहचाने हैं पहले तो सात और तीन दस में से आठ माइनस करेंगे दो में से एक माइनस करेंगे एक ये इसका काम तो खत्म अब बच्चे फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस को इकट्ठे डील कर लेते हैं

परसेंटेज में लिख करके जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर माइनस में है तो फायदा हो जाएगा सिक्सटी माइनस फिफ्टी प्लस का टेन माइनस तो तो का दोनों तरीके आपके सामने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आपके सामने पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट और ये तो ऑफकोर्स तीसरा बनेगा ही बनेगा चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करके दिखाइए आप किस तरीके से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंथ प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा ठीक है एक सही दो बटा पांच दो बार लिखा हुआ था राइट आंसर एक सही तीन बटा पांच बनेगा ठीक है जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से देखो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को क्या तकलीफ है भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना पा रहे हो अच्छा तुम लोगों को ना एक बात बताती हूँ फोर्थ Uh, 42.8 और 2.5 को अगर आप देख रहे हो ना सही तरीके से तो आपकी चांदी हो गई है बच्चों मैं आपको पहले बता देती हूँ कैसे पॉइंट को तो भूल जाओ 428 को 25 से गुना करना है सब लोगों को पता है इसको चार उधार दे दो 100 बनेगा 10700 बनेगा दो से पहले पॉइंट है बाय में हंड्रेड कैंसिल वन हंड्रेड सेवन आएगा एक सौ सात सीधा रिजल्ट एक सौ सात में से दस का स्क्वायर माइनस करोगे तो सेवन आएगा प्लस में सेवन लिखो इज इक्वल टू में एक्स की पावर टू सीधी बात समझ में आया अब सिर्फ पहला पार्ट है उसको सोल्व कर लो अलग से वो आपकी जैसे मर्जी है जैसे आप काटना पीटना चाहते हो नंबर्स को वैसे आप सोल्व कर लो ठीक है चलिए आइए सरा लिख देते हैं फिफ्टीन डिवाइडेड बाई में ट्वेल्व पॉइंट फाइव इन टू में थ्री पॉइंट फाइव चाहो तो पॉइंट को काट दो यहीं पर और पाँच से सात पर पाँच से दो पर पाँच से पाँच पाँच पर तीन पर इक्कीस बटा पाँच नजर आ रहा है आ, आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का 15 डिवीजन में 12.5 में 3.5 मैंने लिखा है अगर मैं इसको पांच से चार पर पांच से दो पर 4.2 आ रहा है ये क्या हो रहा है पाप हो रहा है ये लग रहा है 4.2 11.2 इज इक्वल टू में x की पावर टू आप सब लोगों का यही आ रहा है तो जल्दी से यस yes लिख दो कमेंट सेक्शन में अगर आप सब लोगों का भी यही आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस yes, लिख दो अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा जो अभी प्रेजेंट है उसके हिसाब से यही आंसर बन रहा है हुँ? बता दीजिए जरा सही जा रही हूं मैं बता दो एक बार सब लोग चलो जी बहुत ही बढ़िया जी लाइक जरूर कर दो सेशन को अगर आप में से किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया सेशन को तो लाइक कर दो जो अभी डेटा लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ पंद्रह के बाय में ट्वेल्व पॉइंट फाइव ये मैंने काटा सही है ना सात पर पच्चीस पर पांच 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 तीन इक्कीस बटा पांच से चार पर दो पर फोर पॉइंट टू अरे 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 अरे, अरे पाप तो हो रखा है रे पाप तो हो रखा है देखो तुम लोग भी नहीं बताते हो यस और ऊपर से लिख रहे हो कितनी गलत बात है मैंने यहाँ पर सात लिखा है हमारा तो एक सौ सात आया था ना तो एक सौ सात लिखो ना तुम लोग ठीक है एक सौ सात में चार अगर मैं जोड़ दू एक सौ सात आया था ना इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट फोर आया है तो ये बनेगा एक में की पावर टू ये आप लोगों का टोटल बन रहा है यहाँ पर 107 आया था 100 अच्छा सही तो है मैंने 107 में से 10 का स्क्वायर 100 माइनस किया था सात लिखा था यहाँ पर सही है सही है सही जा रहे थे हम लोग बिल्कुल सही ठीक है बिल्कुल सही है यहाँ पर सेवन ही आएगा इज इक्वल टू मे एक्स की पावर टू

2 का क्यूब करते हैं तो 1728 आता है ये बात आप लोगों के हमेशा माइंड में होनी चाहिए और इसे को ध्यान में रखकर अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो मुझे लगता है आप लोग कर भी लोगे क्वेश्चन सब लोग कर लोगे बिल्कुल सही बोला 107 में से माइनस किया था मैंने 10 का स्क्वायर 100 बिल्कुल करेक्ट वेरी गुड वेरी वेरी गुड चलिए यह वाला क्वेश्चन बना के दिखाइए मुझे 12 का पावर तीन की पावर फोर पॉइंट टू डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलते हो तो पावर नेगेटिव हो जाती है बारह की पावर दो की पावर सिक्स पॉइंट एट बारह की पावर तीन ट्वेल्व की पावर अंडर द रूट एक्स ये फाइनल क्वेश्चन है आप लोगों का देख सकते हो आप लोग ठीक है अब इसको सोल्व कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन में चेंज क्या नेगेटिव हो जाएगी पावर ये ध्यान रखना तीन दुनी छह चार तीन बारह ट्वेल्व गुना में आठ दूनी सोलह छह दूनी बारह और एक तेरह थर्टीन पॉइंट सिक्स नेगेटिव का बारह की पावर तीन इज इक्वल टू मई ट्वेल्व की पावर अंडर द रूट एक्स इसको सोल्व करेंगे प्लस का का माइनस माइनस जाएगा दो uh, तो के बराबर है तो मैं बोलूंगी एक्स किसके बराबर है तो बोलोगे चार के बराबर है। अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जाती है तो एक्स की वैल्यू चार मैंने स्टेप वाइज आपको बताया है एक एक बात लिख करके आपको बताई है लेकिन अगर हम पेपर में जा रहे हैं तो सीधा इस स्टेप पर हम आएंगे सीधा ये वाला स्टेप हम लोग लिखेंगे और उसके बाद बाकी कुछ बारह की पावर दो अंडर रूट एक्स के बराबर है तो एक्स टू का स्क्वायर फोर के बराबर आएगा बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है लिखोगे कम जितना माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है ठीक है उस हिसाब से आप लोगों का जो टाइम है वो कम लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जिसको परसेंटेज की नॉलेज है जिसको परसेंटेजेस के बारे में पता है वो बच्चा तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लेगा कैसे बना लेगा मैम देखो जरा तुम लोग कैसे बनाओगे 51% ऑफ 240 लिखा है बच्चों और 49% ऑफ 220 लिखा है माइंड में माइंड में 51% को 50% प्लस 1% 50% आधा प्लस में 1% इज 2.4 50% 110 1% इज 2.2 बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपको इस दुनिया में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा लेकिन पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन ठीक है हमने क्या किया 9% को माइनस वन परसेंट लिखा हमने क्या किया 51% को 50% परसेंट प्लस वन परसेंट बस यही छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है तो अब इसको सोल्व करोगे तो आप एवरी स्टूडेंट का मेरे को लग रहा है आंसर आ जाएगा 120 में 110 अगर मैं जोड़ दूँ तो 230.4 से .2 अगर मैं uh, .2 आ जाएगा 230.2 इज आवर आंसर है ना 230.2 हमारा आंसर बन जाएगा क्योंकि 2.4 माइनस 2.2 तो uh,

और जो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं कर रहे हैं क्लास में होने के बाद, बाद भी कितनी गलत बात है बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने फटाफट से सब मेरे बच्चे चलो जी आ जाओ जी जरा देख लेते हैं चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है आंसर तुम लोग बता बता नहीं रहे क्यों नहीं बता रहे रहे हो, हो क्यों अठारह सही तीन बटा चार बहत्तर और तीन पिछहतर बटा चार पॉइंट टू फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट माने वन बाय फोर एन टू वन ओवर थ्री बाय फोर सेवन बाय फोर नंबर को आसान बनाना आपके हाथ में ही है फोर्टी वन बाय फोर इंटू सेवेंटी फाइव बस ये देखना मैं भावनाओं में बह कर के नंबर कोई गलत ना लिख दू ये कैंसिल हो जाएगा ये सेवेंटी फाइव से सेवेंटी फाइव कैंसिल हो जाएगा और कोई नंबर कैंसिल होता नजर आ नहीं रहा है एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं फोर्टी वन इंटू सोलाइ में आ रहा है 7। और 165, ऐसा कुछ है तो बता दो एक्स की वैल्यू सिक्स बाय सेवन आ रही है बच्चों एक्स की वैल्यू छ सौ छप्पन बटामे सात आपको देखने को मिल रहा है सिक्स फिफ्टी सिक्स बाय सेवन यानी कि सी ऑप्शन एक और इंपॉर्टेंट बात है मैं आप लोगों को बता दूं और उस इंपोर्टेंट बात के साथ मैं आप लोगों को जो बोलती जाती हूँ

बारह बजे पर उसके अलावा सात बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है सेवन पी एम जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं आज नंबर सीरीज की बारी है सात बजे डेली सेशन होता है मैं डेली लेती हूँ स्पेशल क्लास आप चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो सेवन पी एम पर डेली ठीक है अच्छा मैं ये आप लोगों को बता दूं जो पर अभी ऑफर चल रहा दू अनस्ट मार्च तक आप देख लो वैलिड टिल मार्च वैलिडी परसेंट का ऑफ मिल रहा है सब्सक्रिप्शन पर मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है फ्री होता ही है बच्चों जब आप अन अकेडमी पर एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेते हो ना जितने भी एजुकेटर अन अकेडमी पर पढ़ा रहे हैं बैंकिंग के लिए वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं सब आपको मिल जाएंगे आपको जितने जिस एजुकेटर का समझ में आ रहा है एजुकेटर के साथ जुड़ सकते हो अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज भी रीजनिंग इंग्लिश uh,

को आप यूज करोगे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा बहुत ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी ठीक है अब मैं कल फिर से आपसे जुड़ूंगी ग्यारह बजे और सिंप्लीफिकेशन के हम लोग और बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप जुड़ना मेरे साथ ग्यारह बजे बैंकर्स बाय अन पर ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू बबाई नमस्ते थैंक यू बच्चो बबाई